क्योंकि आज के स्टूडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के वाइब्रेशन सेटिंग के बारे में। अब देखो गाइस, बेसिकली इसके अंदर जो है हम लोगों को चार सेटिंग दिखने को मिलता है, लेकिन गाइस यहां पे जब आप लोग इसको ऑन करोगे तो इसके अंदर भी हम लोगों को काफ़ी सारे सेटिंग दिखने को मिलता है। तो चलो गाइस, मैं आपको एक एक करके इन सभी सेटिंग के बारे में बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये जो वाइब्रेशन है ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है। तो गाइस यहाँ पे देखो, मैं आपको बोल दूँ, यहाँ पे जितने भी आपको सेटिंग दिख रहा सबका जो सिर्फ कंडीशन अलग है, बाकी गाइस यहाँ पे जो काम है वो सबका एक ही है, ठीक है। और गाइस वो ये है कि इसमें से किसी भी सेटिंग को आप लोग ऑन करोगे तो आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, बोले तो कांपेगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे देखो, जब हम लोग अपने फ़ोन को कर देते हैं वाइब्रेशन मोड पर, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, अब अगर मेरे फ़ोन पे कोई किसी का कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा तो हमारा जो फ़ोन है उस टाइम पे वाइब्रेट करता है, कांपता है, ठीक है, जो कि गैस आपको अच्छे से पता होगा। तो वही सेम चीज़ गैस यहाँ पे गेम के अंदर भी होगा, इन सब में से किसी भी सेटिंग को ऑन करोगे तो आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, कांपेगा, बोले तो सिंपल लैंग्वेज में भनवन करेगा, ठीक है। अच्छा बट गैस यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है, ठीक है। अब गैस आपका फ़ोन जो है किस टाइम पे वाइब्रेट करेगा, कौन से सेटिंग को ऑन करने से किस टाइम पे आपका फ़ोन जो है वो वाइब्रेट करेगा, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जल्दी से गैस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को और सेट कर देना। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी देरी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके सुकेश, यहाँ पे जो सबसे पहला सेटिंग है उसको आप लोग ऑन करोगे तो इसके अंदर हम लोगों को दो ऑप्शन मिलता है। पहला है गाइस फुट स्टेप। अब देखो इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि अगर आपके आसपास कोई एनिमी आएगा, मतलब कि कहीं पे आप खड़े हो या फिर बैठ के हो, आपके आसपास कोई एनिमी आ रहा तो वैसे टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, बोले तो कांपेगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके आसपास कोई एनिमी आ रहा। अब देखो गाइस, अगर आप लोग हेडफोन लगा के खेलते हो तो आपको पता होगा कि जब हमारे आसपास कोई एनिमी आता है तो उसके पैरों का आवाज़ जो है वो हम लोगों को सुनाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग विदाउट हेडफोन खेलते होगे तो उस टाइम पे उतना अच्छे से सुनाई नहीं पड़ता है। तो इस सेटिंग को ऑन करोगे तो आपको काफ़ी काम आएगा, जब आपके आसपास कोई एनिमी आएगा तो आपका जो फ़ोन है वो हल्का सा वाइब्रेट करेगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है। ओके इसके बाद गाइस यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है गन शॉट्स का। अब देखो इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि अगर आपके आसपास कोई एनिमी फायरिंग करेगा, गोली चलाएगा, तो वैसे टाइम पे भी आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, आपका फ़ोन कांपेगा, ठीक है। अब गाइस ये जो दोनों सेटिंग है ये मेरे को काफ़ी सही लगता है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग विदाउट हेडफोन के गेम खेलते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो गाइस इन दोनों सेटिंग को ऑन करके रख सकते हो, एक बार ऑन करके गेम खेलो, अगर आपको पसंद आता है, काम आता है तो ऑन रखना, नहीं तो फिर आप सिंपली इसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। आप लोग जाके एक बार अच्छे से देख लेना, जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप लोग कर लेना, ठीक है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है प्लेयर इंटरैक्शन वाइब्रेशन। अब देखो इस सेटिंग को अगर आप लोग ऑन करोगे तो इसके अंदर हम लोगों को एक सेटिंग दिखने को मिलता है, वो है टेकिंग डैमेज का। अब देखो यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि अगर आपको जब डैमेज पड़ेगा, मतलब कि कोई एनिमी आपको डैमेज दे रहा है, तो वैसे टाइम पे गाइस आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, कांपेगा, ठीक है। अब चाहो तो आप लोग भी इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो वाइब्रेशन वाला सेटिंग है ये बेसिकली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो लोग विदाउट हेडफोन के गेम खेलते हैं, या फिर अगर आप लोग भी गेम के बीच में व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, तो वैसे टाइम पे ये जो सेटिंग है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है वेपन वाइब्रेशन। अब देखो इसके अंदर हम लोगों को चार ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला है गाइस ऑटोमेटिक गन्स। अब देखो इस सेटिंग को ऑन कर दोगे, इसके बाद फिर आप लोग जो है जितने भी ऑटोमेटिक गन है उसको यूज़ करोगे, जैसे कि गाइस यहाँ पे अपना UMP हो गया, MP40, AK, अस्कार, थॉम्सन, मतलब कि वैसा गन जिसमें जिसको हम लोग कंटिन्यू फायरिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो सब गन को आप लोग यूज़ करोगे तो वैसे टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, कांपेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है गाइस सेमी ऑटोमेटिक गन्स। अब देखो इसके अंदर गाइस आएगा अपना M10 हो गया, SBD हो गया, वुडपेकर हो गया, ACAT, मतलब कि वैसा गन जिसको हम लोग कंटिन्यू फायरिंग तो कर सकते हैं 5-6 गोली, बट थोड़ा सा रुक रुक के, ठीक है, ये सब गन को आप लोग यूज़ करोगे तो वैसे टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा। अब गाइस यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है बोल्ट एक्शन गन। अब देखो इसको आप लोग ऑन करोगे तो इसके अंदर गाइस आएगा अपना शॉटगन, वो वाला 2 कट्टा, ठीक है, M1887।
इसके अलावा गैस AWM M82 भी, मतलब कि वैसा गन जिसमें हम लोग बस एक बार में एक दो गोली फायरिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ भाई मतलब बोल्ट, जैसे अपना यहाँ पे शॉटगन हो गया, AWM आपको पता है ये सब फायरिंग करते हैं तो कितना आवाज़ करता है, ठीक है, तो ये सब गन आएगा इसके अंदर। तो अगर आप लोग इस सेटिंग को ऑन कर दोगे, इसके बाद फिर शॉटगन यूज़ करोगे दो कट्टा और AWM ये सब, तो वैसे टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, कापेगा। इसके बाद फिर कैसे यहाँ पे आता है अदर्स गन, मतलब कि इन सब के अलावा बाकी का जो गन है जैसे पिस्तल वगैरह हो गया, तो वो सब यूज़ करोगे तो आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा। बट कैसे मैं आपको बोलूँगा कि ये जो सेटिंग है वो उतना कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग यूज़ करते हैं तब फ़ोन कांपता है, ठीक है, जो कि यार मुझे कोई क्रम का नहीं लगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस सेटिंग को आप लोग हो सके तो ऑफ ही रखना तो सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, समझ गया। इसके बाद गाइस यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है व्हीकल वाइब्रेशन। अब देखो इस सेटिंग को ऑन करोगे तो इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। पहला है गाइस यहाँ पे ड्राइविंग, मतलब कि गाइस यहाँ पे देखो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद जब आप लोग गाड़ी चलाओगे गेम के अंदर तो वैसे टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, कापेगा, ठीक है। दूसरा है गाइस यहाँ पे इन व्हीकल डैमेज, मतलब कि इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा, अगर आपके गाड़ी पे डैमेज पड़ेगा, कोई एनिमी आपके गाड़ी पे फायरिंग करेगा, तो वैसे टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, कापेगा, ठीक है। तीसरा गाइस यहाँ पे है कलिशन। अब देखो इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि जब आप लोग अपने गाड़ी को कहीं पे टक्कर मार दोगे, मतलब कि किसी पेड़ में ठोक दिए या फिर किसी घर पे ठोक दिए, ठीक है, या फिर किसी गाड़ी में ठोक दिए, एक तरफ से बोले तो भाई जब आपका गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ठीक है, तो वैसे टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, बोले तो कापेगा। अब देखो गाइस यहाँ पे जो बीच वाला है इन व्हीकल डैमेज, ये वाला मुझे थोड़ा सा काम का लगता है कि जब कोई एनिमी हमारे गाड़ी को डैमेज देगा, फायरिंग करेगा, तो वैसे टाइम पे फ़ोन वाइब्रेट करेगा, तो शायद से हमें थोड़ा मतलब कि पता चलेगा कि हाँ हमें कोई एनिमी फायरिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो दो सेटिंग है ये मुझे कोई काम का नहीं लगा। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो इन तीनों को भी ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे किसका क्या काम था वो मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। मेरे ख्याल से गाइस यहाँ पे ये जो तीन सेटिंग है इन्हीं तीन का जो है मतलब कि सही यूज है, ये आपके काम का आ सकता है, बाकी मेरे ख्याल से उतना कोई खास काम का नहीं है। बाकी गाइस आप लोग जाकर अपने चेक कर लेना और बताना गाइस कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन कौन से सेटिंग को ऑन करके रखा है और कौन कौन से सेटिंग को ऑफ करके रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे किसका का क्या काम था वो तो मैंने आपको बता दिया, आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। एंड गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो आज मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलो टाटा, टेक केयर।